मैंने कहा उठ जाओ। क्या कहा? बाहर निकलो फौरन, अभी और इसी वक्त। मैं दिले, चुप कर बेटा चुप कर। नहीं पापा, मैं चुप नहीं रहूंगी, बस बहुत हो गया। इस आदमी की धमकियां सुन सुनकर तो मेरे कान पक गए। उठ जाए, उठ जाए, उठ जाए। अब उठने को कायदा जानते क्यों नहीं? यहाँ क्यों खड़े हो? निकलते क्यों नहीं? अरे क्या कह रही है? और तू अपने बाप के इशारे पर रेंगने वाले कीड़े, तू अब तक क्या क्या बैठा है? उठ वहां से। मैथिली, तमीज से बात कर, मैं तेरा होने वाला पति हूँ। चुप छिछंदर, तेरे जैसे पति से तो सती होना अच्छा है। चल भाग यहां से। डैडी, डैडी मेरी शादी, मेरी शादी। तू फिकर मत कर बेटा, बस शादियां करवाऊंगा मैं तेरी। ये तो रह गई कुंवारी, देखता हूँ कैसे। क्या देखेगा तू? हाँ क्या देखेगा? अरे अब तो दुनिया तेरा तमाशा देखेगी। तू, तेरी बीवी, तेरे सारे रिश्तेदार, नौकर चाकर, सारे जितने आए ना, उन सब के कपड़े, ये सूट बूट पगड़ी मोजे, यहाँ तक कि बनियान रुमाल और चड्डी तक मेरे पापा के दिए हुए पहने खड़े। अगर 2 सेकंड और खड़े रहे ना तो सारे यहाँ उतरवा के नंगा भगा दूंगी। दीदी अपनी तो इज्जत पूरी अब गई, कुछ भी नहीं बची, चलो भागते यहाँ से। अरे मामा क्या खुसर पुसर कर रहे हैं? रेबिस के कीटाणु। दीदी हराम, ये तो पागल हो गई। तू पागल, तेरा सारा खानदान पागल, लालची बुढ़िया, कांजीवरम की कांजी हाउस की भैंस। शुक्र कर मैं तेरी बहू नहीं बनी, वरना जलकर मरती तू किचन में और तेरा फोटो छपता अखबार में। दीदी दीदी बेचारे मेरे पापा एक एक आदमी से हाथ जोड़कर ऐसे माफी मांग रहे थे, जैसे लड़की को पैदा कर कर उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया। तू है तुम सब पर, निकल जाओ यहाँ से, गेट आउट, निकलो। अरे मैं करता हूँ इन्हें गेट आउट, मार मार के इनकी तस्वीर पे लात। आओ जी बुआ जी मेरे साथ। चल आगे बढ़, दिखा दे क्या पढ़ू। निकल निकल, ये पगड़ी।